आज दिनांक 7 जनवरी 2023 को वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ। निर्धारित अवधि में मात्र एक नामांकन दीपक भारती द्वारा भरा गया। अन्य कोई नामांकन निर्धारित समय अवधि में प्राप्त न होने की स्थिति में दीपक भारती वन रक्षक पश्चिम सामान्य वन मंडल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। हाँ जी, आज छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें विधिवत हमारे निर्वाचन अधिकारी राजकुमार मिश्रा जी ने चुनाव प्रक्रिया की, जिसमें दीपक भारती जी को निर्विरोध छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कर्मचारियों का चुनाव था, पहली बार छिंदवाड़ा में निर्वाचन प्रक्रिया से जिलाध्यक्ष माननीय दीपक भारती जी बने, तो ये सबसे पहली बात तो मैं बधाई देता हूँ। और अब जो छिंदवाड़ा जिले के कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो दीपक भारती जी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाई जाएंगी, उनका निराकरण कराया जाएगा। और अगर जिले में मंडलाधिकारी महोदय द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, हम प्रदेश में इन कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि निराकरण कराएंगे, और जो भी समस्याएं हैं कर्मचारी की हम तत्काल उनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश वन्य वन प्राणी संरक्षण का इलेक्शन होना था, इसके लिए हमारे प्रांताध्यक्ष कमलेश दौरे जी उपस्थित हुए। बीच में हमारे सभी साथियों को अपने उपस्थित हुए यहाँ पे रेलवे सेवा में, और आज नामांकन प्रक्रिया करते हुए उनका निर्वाचन किया गया। इसमें मुझे निर्विरोध निर्वाचन करते हुए मुझे घोषित किया गया जिलाध्यक्ष, और साथ ही मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ कि वो सभी लोग उपस्थित हुए, जिसके साथ उनके साथ काम करने का मौका मिला मेरे फिर से। और इसके साथ ही जो भी कर्मचारी समस्या आएगी उसके साथ में उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ से सच नहीं हो पाया उसके बाद मैं इसको प्रदेश स्तर पर पहुँचाऊँगा। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।